हेलो फ्रेंड्स, बारह सिक्स प्रेम यूट्यूब चैनल की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ इस जो यूपीएस किट है यहाँ पर चलाकर आपको दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत तरीके की चीज़ जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ मैं यहाँ पर चलाकर दिखाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये जो यूपीएस किट है यहाँ पर आप कितना एम्पियर तक दे सकते हो, कितना एम्पियर तक लोड दे सकते हो। और यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चलाकर दिखाऊँगा कि वो चीज़ कितना एम्पियर कंज्यूम करता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो यूपीएस किट है इसके साथ आपको कितने एम्पियर का बैटरी लगाना होगा या फिर आपको इसके साथ कितने लोड देना होगा वो भी आपको पता लग जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो किट है वो कितना एम्पियर तक लोड ले सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे आप इस यहाँ पर लोड दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा कंपनी आपको चला कर दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो छोटा फैन आप देख रहे हैं इस फैन को आपको चला कर दिखानेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यूपीएस पर फैन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। इसलिए मैं फर्स्ट आपको फैन चला कर दिखा दूँगा और दिखाऊँगा कि कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए मैं एम्पियर मीटर को भी मैंने अपने साथ रख लिया। और अभी इससे थोड़ा सा ये छोटा वाला फैन है, इससे थोड़ा सा बड़ा फैन ये है, इसको भी मैं चलाकर आपको दिखा दूंगा। आप देख पा रहे हैं ये व्हाइट वाला फैन, इसको भी मैं आपको चलाकर दिखा दूंगा। और उसके बाद फैन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस मैंने ट्राई किया है। आज मैं आपको एक एम्पलीफायर भी चलाकर दिखा दूंगा, जो कि यहाँ पर 100 वाट का 2 स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ है। तो टोटल 200 वाट का लोड मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो कि ये जो किट है इसके साथ कैसा परफॉर्मेंस देता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और बेस देने पर कितना एम्पियर कंज्यूम करता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको चलाकर दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने आपको ड्रिल मशीन चलाकर दिखाया था, जहाँ पर ड्रिल मशीन पूरी तरीके से नहीं चला था, क्योंकि ये जो सर्किट है वो लोड ज़्यादा होने पर ऑटोकाट हो जाता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर है, देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो का बनाने का मेरा यही मकसद है कि मुझसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि कमेंट पर भी पूछे और इंस्टाग्राम पर भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो यूपीएस है उसको इससे हम बहुत सी चीज़ें चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो यूपीएस सर्किट है इससे सिर्फ कंप्यूटर ही चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इससे आप डिफरेंट चीज़ें भी चला सकते हो। और फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इससे आप कंटिन्यूअसली चीज़ें चला सकते हो। ऐसे तो ये जो किट है वो 5 मिनट या फिर 15 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है, लेकिन आप इसको कंटिन्यूअसली चला सकते हो। इसका एक ट्रिक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख लेना। तो आज का टॉपिक ये नहीं है कि आज का टॉपिक कुछ अलग है और आज का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि एक एक करके सारे चीज़ों को मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर सेटअप देख पा रहे होंगे और मैं आपको थोड़ा बैटरी भी दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर 7 एम्पियर का यहाँ पर मैं 3 बैटरी यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा, जिससे कि इसका जो एम्पियर है वो बढ़ जाए और ये 21 एम्पियर का हो चुका है। और अभी मैं यहाँ पर इस किट के साथ ये बैटरी कनेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर जो एम्पियर मीटर है उसको मैं बैटरी के वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये जो आउटपुट है, आउटपुट पर मैंने ये छोटा सा एक बोर्ड लगा रखा और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ एक वीडियो में। तो चलिए सारा कुछ कनेक्शन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी और आपको चला कर दिखा देते हैं कि कितना एम्पियर कंज्यूम करता है ये सारे चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, कनेक्शन अभी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है, एम्पियर मीटर के साथ भी मैंने कनेक्ट कर रखा। तो अभी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये जो स्विच है उसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देखना, अभी ये ऑन हो चुके हैं, आपको साउंड सुनाई पड़ रहा होगा। और यहाँ पर जो हमारा एम्पियर मीटर है वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो बोर्ड है वहाँ पर अभी आउटपुट वोल्टेज स्पर्श रहा है, तो यहाँ से मैं आपको कंपोनेंट चला कर दिखा दूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर छोटा जो फैन है उसको चला कर दिखा दूँगा और कितना एम्पियर कंज्यूम होता है ये भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए इस फैन को हम यहाँ पर कनेक्ट करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो हमारा फैन है उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा और अभी ये जो स्विच है इसको लगाने की देरी है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना एम्पियर कंज्यूम होता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इस स्विच को इसे ऑन कर दिया और देखिए हमारा जो फैन है वो चलने लगा। और अभी एम्पियर आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 20 एम्पियर यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। ये जो छोटा फैन है ये 20 एम्पियर ले रहा है बैटरी से। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो इसका एम्पियर है वो थोड़ा सा घट रहा है, लेकिन लगभग यहाँ पर 18 या फिर 15 एम्पियर ये ले रहा है। ये जो फैन है वो लगभग 18 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है बैटरी से। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये जो फैन है वो कितना एम्पियर लेता है।
और ये जो UPS है वो बहुत ही आसानी से ये जो फैन है उसको चला सकता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब आपको पता चल गया कि आप जो UPS है यहाँ पर ऐसा फैन आप चला सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं MPRP से आपको दिखा देता हूँ, लगभग 15 या फिर 18 MPR ले रहा है। और हमारा जो बैटरी है यहाँ पर मैंने एक बैटरी नहीं लिया, ये आप गौर करना, मैंने यहाँ पर 3 बैटरी को कनेक्ट किया जिससे कि मैं थोड़ा देर चला सकूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस फैन को चला कर आपको दिखा दिया जो कि फुल RPM में चल रहा है और यहाँ पर इसका हवा भी बहुत ही अच्छे से आ रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी दूसरी कंपोनेंट को भी मैं चला कर दिखा देता हूँ और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर लोड दे सकते हो। तो चलिए मैं दूसरा कंपोनेंट आपको चला कर दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो सेकंड आइटम आपको चला कर दिखाने वाला हूँ वो एक बड़ा पंखा है जो कि मैं आपको इसका वाटेज आपको बता देता हूँ कि ये जो पंखा है वो 115 वाट का है। और यहाँ पर मैं इस UPS किट पर चला कर दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसका सारा वायर कनेक्ट कर रखा, अभी जो हमारा जो स्विच है उसको दबाने का देरी है, तो चलिए अभी इसको ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि कितना एम्पियर कंज्यूम होता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो फैन है वो चलने लगा और ये जो है लगभग 30 एम्पियर तक गया था पहले, लेकिन अभी ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और जो की थे यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर बीप साउंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलोड जैसा हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो फैन है वो फुल RPM में चल रहा है और यहाँ पर जो हमारा की है वो बहुत ही जल्दी बीप साउंड कर रहा है। और यहाँ पर एम्पियर भी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, 20 से थोड़ा सा ऊपर एम्पियर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी से ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स किट जो है वो पहले से थोड़ा सा फास्ट वे में बीप साउंड कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो किट है वो ओवरलोड जैसा हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो फैन है उसका जो मोटर है उसको रोटेट करने के लिए ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ये ओवरलोड जैसा दिखा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर 100 वाट का एक लाइट बल्ब कनेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये जो फैन है ये भी लगभग 100 वाट का ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा ये कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। और इसी के साथ ये ऑटोकट हो गया फैन, मतलब ये ओवरलोड शो कर रहा था और अभी ये ऑटोमेटिकली ऑटोकट हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सर्किट है वो बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए फ्रेंड्स इसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि ये अभी ओवरलोड पर चल रहा है और इसलिए ऑटोकट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही एम्पियर जीरो हो गया। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर हमने जब यहाँ पर ज़्यादा वाट का फैन हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था तो ये जो कीड है वो ओवरलोड शो करने लगा और कुछ समय बाद ऑफ हो गया। तो देखिए अभी जो हमारा फैन है वो पूरी तरीके से ऑफ हो गया और किट जो है वो ऑटोकट हो गया, जबकि हमने जो यहाँ पर पहला जो फैन चलाया था वो बला तब तो कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो फैन पहले जो हमने फैन चलाया था वो कम वाट का था और ये जो फैन है वो 100 वाट या फिर 100 वाट से ज़्यादा है, इसलिए वो ओवरलोड शो कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स आप अगर यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब जलाएंगे तो ये ओवरलोड नहीं शो करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बल्ब है उसको जलाने के लिए उसको इतनी एनर्जी नहीं देना पड़ता जितना कि ये जो फैन है उसकी जो पंखा है उसको घुमाने के लिए देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि क्यों यहाँ पर जो हमारा 100 वाट या फिर 115 वाट का जो फैन है उसको चलाने पर ये ऐसे बिहेव करने लगा। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ समय बाद ये हमारा जो फैन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। सो फ्रेंड्स हमने आपको फैन चला कर दिखा दिया और आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर आपको मैंने जो बोला था एम्पलीफायर चला कर दिखा देंगे, मैं आपको थोड़ा सा एम्पलीफायर दिखा देता हूँ। ये 100 वाट का एम्पलीफायर है और यहाँ पर मैंने 100 वाट का 2 स्पीकर कनेक्ट करके रखा जो कि टोटल 200 वाट का लोड हमने यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर मैं आपको इसको फुल बेस में आपको चला कर दिखाऊँगा और ये जो किट है वो बहुत ही आसानी से आई होप इसे चला पाएगा। और यहाँ पर मैं आपको कितना एम्पियर कंज्यूम होता है ये भी आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि एक एम्पलीफायर 100 वाट का चलाने पर ये कितना एम्पियर कंज्यूम करता है। और यहाँ पर बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो पहले वाला ही मैंने बैटरी लगा कर रखा। सो चलिए फ्रेंड्स अभी इसको भी मैं आपको चला कर दिखा देते हैं। सो अभी मैं यहाँ पर जो है स्विच को ऑन कर देता हूँ और अभी मैं आपको गाना चला कर भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारा एम्पलीफायर है वहाँ पर जो है लाइन पहुँच चुकी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको गाना चला कर दिखा देता हूँ और इसके साथ साथ कितने एम्पियर होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर धीरे धीरे जो साउंड है उसको इंक्रीज करता हूँ। Thank you.
तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये जो हमारा एम्पलीफायर है वो एम्पलीफायर कंज्यूम कर रहा था। जब यहाँ पर बेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो ये जो हमारा काटा है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गया था। तो जब बेस नहीं हुआ था तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कम एम्पलीफायर कंज्यूम कर रहा था, लेकिन बेस थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था तो ये थोड़ा सा एम्पलीफायर कंज्यूम करने लगा था। तो फ्रेंड्स ये जो एम्पलीफायर है वो लगभग 5 से 10 एम्पलीफायर यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है। जब बेस आता है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीफायर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो इस किट के लिए बहुत ही कम है। और अगर आप इस किट के साथ इस एम्पलीफायर को चलाते हो तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी के साथ आप इससे लगभग 2 या 3 घंटा आसानी से फुल साउंड पर चला सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 2-3 घंटा चलाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे तो फ्रेंड्स ये जो किट है वो 15 मिनट्स के बाद ये ऑटो ऑफ हो जाता है। इसको इससे छुटकारा पाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप उस ये जो वीडियो है वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से आप जो हमने एम्पलीफायर चलाया यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्पलीफायर कंज्यूम नहीं कर रहा था, यहाँ पर कम एम्पलीफायर कंज्यूम कर रहा था। तो फ्रेंड्स ये कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स मैंने जो हमारा एम्पलीफायर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, और जो हमारा एम्पलीफायर है इस यहाँ पर मैंने बहुत सारा कैपेसिटर लगा दिया था, जिससे कि कैपेसिटर पहले से ही चार्ज था, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम एम्पलीफायर दिखा रहा है। हो सके कि आपके बारे में जब आप अपना एम्पलीफायर यहाँ पर चलाए तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीफायर भी कंज्यूम कर सकता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो पर आपको थोड़ा सा साउंड कम लगा होगा जो हमारा एम्पलीफायर है उसका, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा साउंड था इसलिए जो हमारा माइक्रोफोन है वो कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा सा आपको कम लगा होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप विश्वास कीजिए बहुत ही ज़्यादा साउंड हुआ था, और ये जो काटा है वो जब बेस हुआ था तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, लेकिन जब बेस नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा कम ही रहा था। इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप इस किट के साथ 100 वाट का जो एम्पलीफायर है उसको बहुत ही आसानी से चला सकते हो। और ये अगर आपके पास ऐसा 2 या 3 बैटरी हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 1 बैटरी से भी फ्रेंड्स आप चला सकते हो, लेकिन कम समय बैकअप देगा। लेकिन यहाँ पर 2 या 3 बैटरी जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा इस किट के लिए। तो फ्रेंड्स इससे आप घर की जो अप्लायंसेज है जैसे कि LED लाइट या फिर 100 वाट का बल्ब वो तो आपको यहाँ पर चला सकते ही हो, लेकिन आज मैंने कुछ अलग आपको ट्राई करने की कोशिश की और दिखाया कि आप लोग कैसे यहाँ पर फैन या फिर एम्पलीफायर भी चला सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।